हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी चौलाई का साग। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चौलाई का साग लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, कट कर लिया है। और यहाँ पे सूखी लाल मिर्च है 3 से 4। और ये चना दाल है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये फूल के अच्छे से तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, चौलाई का साग बनाते हैं चने दाल के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ। और मिर्ची भी हो गया है, तो अब इसमें हम चौलाई का साग डाल देंगे। चौलाई का साग डालने के बाद इसको मैंने ढक दिया था। और दो तीन मिनट बाद देख सकते हैं आप कितना ये सॉफ्ट हो गया है। इसको बीच बीच में आपको चेक करना है। और इसी साथ साथ हम इसमें चने की दाल भी ऐड कर देते हैं। तो बस चने की दाल डाल देंगे और उसको हम एक साथ ही दोनों को मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमें कम डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे। इतना साग हो गया है और इसको भी अभी और पकाना है हमें, तो इसको ढक ढक के 2 से 3 मिनट इसको आप चेक करें। देखिए फ्रेंड्स, साग हमारा बन के तैयार है, चौलाई का साग चना दाल डाल के। और फ्रेंड्स, इसको बीच बीच में हमें चेक करते रहना है 3 से 4 बार, ढक ढक के पकाना है लो फ्लेम पे। तो साग बन के हमारा तैयार है फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हेल्दी एंड टेस्टी चौलाई का साग बनके तैयार है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।